वेलकम टू वीआईडी क्लासेस, मायसेल्फ विवेक मोरर्मा। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जो मैंने बोला था कि मैंने रिलेशन फंक्शन आपको पढ़ाया हुआ है ना, तो आपका बेसिक चल रहा है बिल्कुल, ये एनसीईआरटी लेवल का, तो आप एक ही क्वेश्चन हो जाएगा एनसीईआरटी का। तो एक काम करता हूँ, मैं पहले आपका 11th क्लास कवर कराता हूँ, उसके बाद आपका मैं पढ़ता हूँ जे लेवल का। ठीक है, तो आपका रिलेशन तो 11th क्लास कवर हो जाएगा, बट जे लेवल के लिए आपको फंक्शन जब स्टार्ट करूँगा मैं, थोड़ा सा उसको कोऑपरेट करना पड़ेगा, है ना। तो आपकी दो एक्सरसाइजेस बहुत आराम से हो जाएंगी, फर्स्ट एंड सेकंड एक्सरसाइज आपकी बहुत आराम से हो जाएगी। ठीक है, थर्ड एंड मिसलेनियस के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बात करते हैं आपकी 2.1 की। उससे पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। आपको पूरा कंटेंट मैं दूंगा, अभी 12th के जितने बोर्ड के पेपर्स हुए हैं सारा सॉल्यूशन में डाल दूंगा, है ना, सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा विद PDF। ठीक है, सब कुछ हो जाएगा आपके पास, आपको कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है, कोई बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे हम सबसे पहले रिलेशन फंक्शन के टॉपिक की, जो हमारा एक्सरसाइज 2.1 है, स्टार्टिंग एक्सरसाइज, जीरो लेवल जिसे बोल सकते हैं, है ना, आपका जो स्टार्टिंग होता है। ठीक है, तो चीजें उठाएंगे जीरो से, पहुंचेंगे यहाँ तक। ठीक है, तो बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1 की। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x बाई 3 प्लस 1 कॉमा y माइनस 2 बाई 3 इक्वल टू 5 बाई 3 कॉमा 1 बाई 3, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, दो रिलेशन कब इक्वल होते हैं, जब उसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो इक्वल। मैंने ये बताया था, देखो जब ये एलिमेंट इसके इक्वल हो जाए और ये वाले एलिमेंट इसके इक्वल हो जाए, ठीक है, तब जब यहाँ पे मतलब कि क्या करें, इसका x इसके x वाले के इक्वल, इसका y इसके y के इक्वल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, x by 3 plus 1 is equal to 5 by 3, है ना। तो यहाँ से आपका क्या निकलेगा, 3 एलसीएम ले लीजिए, इधर भेजिए, तो आपका कितना आएगा, जल्दी बताओ कितना आएगा, ये कितना आएगा बेटा, ये आपका इधर इधर लेके जाओगे, 5 माइनस 3 कितना आएगा, 2 by 3 मतलब 2 आएगा। ठीक है, x कितना निकलेगा यहाँ से, कैलकुलेशन कर लोगे, नहीं कर पाओगे, देखो यहाँ से, तो x by 3 is equal to 5 by 3 माइनस 1, इसे क्या ले सकते हो, x by 3 is equal to 2 by 3, है ना, 2 ये कैंसिल आउट, x कितना आ गया, 2 आ गया। अब बात करते हैं y की, तो ये एलिमेंट जब इसके इक्वल हुआ तो कितना आया, 2 आया, देखो ये एलिमेंट इसके इक्वल हो 5 by 3 के, तो 2 आ गया, है ना। अब देखो x y minus 2 by 3 को 1 by 3 इक्वल करो, तो y माइनस 2 बाई 3 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई 3, तो यहाँ से y कितना हो जाएगा, 1 बाई 3 प्लस का 2 बाई 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 बाई 3 मतलब 1। ठीक है, तो x कितना होगा, 2 होगा, y कितना होगा, 1 होगा। देखो सिंपल रिलेशन है, x एंड y फाइंड हो गया, x 2 रखो तो कितना आएगा, x अगर 2 रखोगे यहाँ पे तो 2 बाई 3 प्लस 1 5 बाई 3 आ गया, देखो इक्वल है नहीं है। ठीक है, y आप 1 रखोगे तो 1 माइनस 2 बाई 3 कितना आएगा, 1 बाई 3 ये तो आएगा, देखो वेरीफाई भी हो गया। ये आपका सिंपल रिलेशंस ऐसे क्वेश्चंस आपके 11th क्लास में हैं। तो ये क्या है, इक्वलिटी ऑफ द रिलेशंस है, ये कौन सा आपका टॉपिक कवर हुआ, इक्वलिटी ऑफ द रिलेशंस। अच्छा, यहाँ पे बात करते हैं, इफ सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स एंड बी इज इक्वल टू 3, 4, 5, तो एन ए कितना हो गया, यहाँ से एन ए इज इक्वल टू, ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 हैं। अच्छा, बी में कितने एलिमेंट्स हैं, एन बी में 3 हैं। तो मैंने बताया था जब ए में एन ए हो, दूसरे में बी हो, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। यही तो मैंने रिलेशन बताया था, ए में कितने हैं, 3, बी में कितने हैं, 3, कितने आ जाएंगे, 9। देखो ये क्या हुआ, अगर ए में फाइनाइट एलिमेंट्स एन ए हैं, बी में फाइनाइट एलिमेंट्स एन बी हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में कार्टेशियन कितने होंगे, एन ए इनटू एन बी कितना आएगा, 9 निकल आया। ठीक है, देखो आपके करेस्पॉन्डिंग चला, जो मैंने पढ़ाया वही चीजें बिल्कुल बिल्कुल वही ऑर्डर में है। ठीक है, अब बात करते हैं ये रिलेशन की, ये जी एच है, एक बार जी क्रॉस एच निकालना है, एक बार एच क्रॉस जी निकालना है, मतलब जी का एच के साथ और एच का जी के साथ। तो मैं यहाँ पे इसको रफ करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, है ना, एक बार जी का एच के साथ और एच का जी के साथ। ठीक है, तो पहले निकालते हैं जी का एच के साथ, तो जी क्रॉस एच क्या होगा, जी क्रॉस एच इज इक्वल टू इसका इन तीनों के साथ, है ना, तो आप कौन सा ब्रैकेट लगाओगे, मिडिल ब्रैकेट, 7, 5 क्या होगा, 7, 5, फिर 7 का किसके साथ, 4 के साथ, 7, 4, फिर 7 का किसके साथ, 7 का 2 के साथ, क्या होगा, 7, 2, फिर देखो फिर 8 का 5 के साथ, 8 का किसके साथ, 5 के साथ, फिर 8 का 4, फिर 8 का 2 के साथ, है ना, फिर देखो चला ध्यान से, है ना, 8, 5, 4, 2, ये हो गया, नहीं हो गया। अच्छा, यहाँ पे एलिमेंट्स कितने हैं, यहाँ कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पे कितने हैं, 3 हैं, टोटल कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए थे, 6 तो हुए, 3, 2, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हुए मेरे सबसेट 6। ठीक है, ये तो जी क्रॉस एच हो गया, जब एच क्रॉस जी निकालोगे, जब एच क्रॉस जी निकालोगे तो एच पहले आ जाएगा, जी बाद में आएगा, तो 5
5 का पहले दोनों के साथ, तो 5 का दोनों के साथ क्या होगा, 5.7 5.8 है ना, 5.7 एंड 5.8 ठीक है। उसके बाद 4 का दोनों के साथ 4.7 4.8 4.7 एंड 4.8 ठीक है। उसके बाद 2 का दोनों के साथ 2.7 2.8 2.7 एंड 2.8 है ना। देखो सही है ना, तो कितने एलिमेंट्स होने चाहिए थे, यहाँ 2 है यहाँ 3 यहाँ 2, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं। ये आपके 3 क्वेश्चंस हो गए है ना। तो देखो जल्दी आंसर कुछ भी नहीं है ना। अगर यहाँ पे हम कार्टेशियन, आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया जाए डायग्राम, जो कार्टेशियन डायग्राम मैंने बताया था एक्सिस पे, तो जी क्रॉस एच के लिए अगर बनाते हैं, पहले हम जी क्रॉस एच के लिए बनाते हैं ना, तो जी में जी क्या है एक्स है, एच क्या है वाई है, एक्स में क्या है बताओ मुझे, एक्स में क्या था आपका 7 7 8 रहा होगा है ना, 5 5 5 5 5 5 4 2 रहा होगा है ना, तो जी रहा होगा 7 and 8, एच रहा होगा 5 4 and 2 है ना, 7 7 5 7 4 7 2 8 5 8 4 8 2 ठीक है ना। तो जी में क्या है आपका, जी में क्या है 7 8, तो जी क्या है यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे 7 हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा। अच्छा एच में क्या है 5 4 2 है, तो आप ऐसे चलो चाहे ऐसे चलो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो मैंने 2 यहाँ डिनोट कर दिया, चलो 5 पहले लिख लूँ, चलो 2 पहले लिख लिया 4 and 5 ठीक है। अच्छा हमने क्या बताया था, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो ठीक है, तो क्या मिलेगा आपका 7 2, पहला क्या मिला 7 2 7 2 है कि नहीं बताओ इसमें है ठीक है। दूसरा क्या मिला 7 4 7 4 है कि नहीं है, फिर 7 5 7 5 है कि नहीं है ठीक है। इसके बाद क्या मिला 8 2 8 2 है कि नहीं है, है। फिर क्या मिलेगा 8 4 8 4 है, फिर क्या मिलेगा 8 5 8 5 5 देखो है ना, ये किसके हुआ जी क्रॉस एच के लिए हो गया। अब जब एच क्रॉस जी के लिए करोगे, एच क्रॉस जी के लिए, तो एच क्या हो जाएगा एक्स, जी क्या हो जाएगा वाई। अब एक्स में क्या आएगा 2 4 6 2 4 2 4 and 5, वाई में क्या आएगा 7 and 8 है ना। यहाँ पे वर्टिकल लाइन्स और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन्स, तो आपके पॉइंट्स क्या मिलेंगे, पहला पॉइंट ये होगा आपका, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये ठीक है। ये पॉइंट क्या होगा बता मुझे 2.7, देखो 2.7 इसमें है कि नहीं है ठीक है। फिर क्या आएगा 2.8 2.8 भी है, फिर 4.7 4.8 4.7 4.8, फिर 5.7 5.8, तो सारे एलिमेंट्स हो गए, तो दोनों रिप्रेजेंटेशन आपका हो गया ठीक है। दोस्तों सिंपल क्वेश्चन हैं आपके, बस इससे ऊपर कुछ नहीं, कुछ नहीं जाएगा। अभी जो भैया क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन हैं आपकी, तो मैं एक्सरसाइज आज डाल देता हूँ 1 और कल अपलोड कर दूंगा 2, तो 3 ऐसे चलता रहेगा ठीक है। तो परेशान मत हो, बहुत इजीली पढ़ा दूंगा, ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज भी अपलोड कर दूंगा बहुत इजी वो भी, तो है ना 2-3 दिन में अलग से ठीक है। ओके बने रहो ऐसे ही, अगला क्वेश्चन देखिए ठीक है। तो देखो जरा तीन अभी 3 क्वेश्चन हैं, अभी 3 क्वेश्चन हो गए बिल्कुल बेसिक थे है ना। अब ये क्वेश्चन देखो जरा जल्दी ध्यान से, यहाँ पे हाँ क्या बोल रहा है एक्सरसाइज 2.1 के फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये आपका रिलेशन क्वेश्चन चल रहा है ठीक है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फोर्थ के 3 ऑप्शन हैं, बट इन 3 ऑप्शन में से बोला गया है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, अगर फॉल्स स्टेटमेंट है तो ट्रू स्टेटमेंट क्या होगा ठीक है, आपको फाइंड करना है। बोल रहा है अगर फॉल्स स्टेटमेंट कोई भी है, 1 2 3 में से अगर कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट है तो ट्रू कौन सा होगा ठीक है। तो देखते हैं पहले फॉल्स कौन सा है ट्रू कौन सा, फिर स्टेटमेंट देखें सही क्या होगा ठीक है ना। तो देखिए जरा ध्यान से, पी अगर दिया गया है एम कॉमा एन, क्यू सेट दिया गया है एन कॉमा एम, पी सेट है एम कॉमा एन, क्यू सेट है एन कॉमा एम, देन P क्रॉस Q मतलब कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q, और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है मैंने क्या बताया था वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो, या सिंपल पहले P है तो P को पहले लिखो Q को बाद में लिखो है ना। तो क्या लिखोगे P क्रॉस Q इज इक्वल टू क्या लिखोगे है ना, देखो M का पहले किसके साथ, देखो P क्रॉस Q है ना, तो M का पहले N के साथ फिर M के साथ दोनों के साथ, तो M का पहले लोगे N के साथ, तो क्या हो जाएगा M कॉमा N, फिर आएगा कॉमा M कॉमा M ठीक है आ गया, फिर n का दोनों के साथ क्या आएगा n कॉमा n कॉमा n कॉमा m ठीक है, ये मिला है ना। ये आ गया आपका, ये आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ p क्रॉस q, और होना भी चाहिए था क्योंकि 1 2 3 4 एलिमेंट्स हो गए इसमें, या फोर इसके सबसेट्स हो गए, बट यहाँ पर कितने थे 2 थे, यहाँ पर कितने थे तो इसके कितने होने चाहिए 4 होने चाहिए, बट यहाँ पर कितने थे 2 थे, तो ये क्या हो गया गलत हो गया, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर दो ही स्टेटमेंट दिए गए हैं एम एन और एन एम, लेकिन एन एन और एम एम दोनों गायब हैं है ना, दोनों वो भी होने चाहिए, तो ट्रू स्टेटमेंट क्या हुआ, ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, ट्रू कौन सा हुआ ये वाला। तो आपका इक्वेशन क्या बनेगी, पी क्रॉस क्यू इज इक्वल टू एन एम
ठीक है, आपको रियल कंफर्म हो गया इतना, ठीक है, कुछ भी नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसमें। अच्छा आओ सेकंड स्टेटमेंट पे। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, मतलब उसमें कुछ है, देन ए क्रॉस बी इन नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर x, y such that x belongs to a, y belongs to b। अगर a और b आपके नॉन एम्प्टी सेट हैं, है ना, तो कैसे लिखते थे याद करो, रिलेशन r इज इक्वल टू x, y such that x belongs to a and y belongs to b। इन्होंने लैंग्वेज भी लिख दिया है, हम ऐसे लिखते थे, तो कोई भी दिक्कत नहीं, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ऐसे लिखते थे ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, देन ए, देखो ए किससे बिलोंग करेगा, एक्स से, बी किससे कर रहा है, वाई से। अगर ये बोलते बी बिलोंग्स कर रहा है एक्स से, तब वो गलत हो जाता, बट ये स्टेटमेंट क्या है आपका, ट्रू है, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, जो मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, थर्ड पे आ जाओ, थर्ड बोला है ए इज इक्वल टू 1,2, बी इज इक्वल टू 3,4, है ना। अब थर्ड थोड़ा सा करना है आपको कैलकुलेशन, ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन जो होगा वो अच्छा होगा, है ना, इसके बाद में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो क्या होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, तो आपके 10 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में, तो मैं सारे करा देता हूँ, है ना। ए दिया गया है, बी दिया गया है, बोला गया है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी इंटरसेक्शन फाई। तो पहले इंटरसेक्शन से क्या होता है, एक्चुअल में इंटरसेक्शन होता क्या है, मैंने तो सिर्फ पढ़ाया नहीं है बट पढ़ाऊंगा, अगर आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा भी होगा थोड़ा बेसिक नॉलेज होगा, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पॉइंट, आप अगर खुद दो सेट्स हो उनमें जो कॉमन हो वो इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, अगर आप बात करें सेट ए की, हम एग्जांपल लेते हैं, तो हम क्या सीख रहे हैं, इंटरसेक्शन। ठीक है, जैसे ए आपका सेट दिया गया है 1,2, हम ये एग्जांपल ले रहे हैं, हम कोई दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, बी सेट दिया गया है यहाँ पे 3,4, ठीक है, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन निकाला जाए, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए बी में कुछ कॉमन है नहीं, है ना, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो जब कुछ कॉमन हो लिख दो, जैसे यहीं पर अगर हमारा 1,4 होता, अगर 1,4 होता तो ए और बी में क्या कॉमन है, 1 है दोनों में, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाता, 1 आ जाता। ठीक है, इंटरसेक्शन मतलब क्या हो गया, कॉमन चीज, जितनी भी कॉमन हो। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन पे क्या करेंगे, सबसे पहले जब प्रोडक्ट निकालना है तो पहले ये वैल्यू निकाल लें, ये वैल्यू निकालने के बाद दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लें, तो बी इंटरसेक्शन फाई निकालो, फाई मतलब क्या है, एम्प्टी सेट है, उसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, है ना, तो ए इंटरसेक्शन, अगर बी इंटरसेक्शन फाई निकालोगे, बी इंटरसेक्शन फाई अगर निकालोगे, तो बी में एलिमेंट्स है आपके 3,4, है ना, और फाई में एलिमेंट्स क्या है, कुछ भी नहीं है, नो एलिमेंट्स, तो जब इसमें दो हैं, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाई आएगा, नल सेट आएगा। ठीक है, तो इंटरसेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी सेट एंड एम्प्टी सेट इज ऑलवेज एम्प्टी सेट। ठीक है, तो क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, फाई लिख सकते हैं, लिख लिया फाई, तो हमको पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस फाई इक्वल टू क्या होता है, फाई होता है। मैंने स्टेटमेंट लिखवाया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट एंड अ एम्प्टी सेट इज ऑलवेज फाई एम्प्टी सेट। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, आप ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ये किसके इक्वल आ रहा है, फाई के इक्वल आ रहा है, हमने क्या निकाला, फाई होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि बी इंटरसेक्शन फाई कितना आ गया, फाई आ गया, तो बोल सकते हैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए कार्टेशियन, बी इंटरसेक्शन सी कितना है, बी इंटरसेक्शन फाई, सॉरी फाई कितना आया है, फाई आया है, बी इंटरसेक्शन फाई कितना है, फाई आया है, फाई रख दो, तो ए कार्टेशियन ऑफ फाई कितना हो जाएगा, कोई एम्प्टी सेट हो जाएगा फाई, जो हमारा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, जो उन्होंने क्वेश्चन में दिया था। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाएगा थर्ड क्वेश्चन पे, तो थर्ड में क्या, आपका फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ए इज इक्वल टू -1,1 फाइंड ए क्रॉस ए क्रॉस ए। सबसे पहले बताओ ये कैसा है, ट्रिपलेट्स बनेंगे, ऑर्डर ट्रिपलेट्स बनेंगे, क्योंकि ए क्रॉस ए कितने एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एट अ टाइम एक लोगे तो 3 में, तो क्या बनेगा, ऑर्डर ऑफ ट्रिपलेट्स बनेंगे। दूसरे कितने एलिमेंट्स होंगे तो मल्टीप्लाई होगा, तो इसमें कितने हैं, 2 हैं, 2 दो इसमें 2 × 2 × 2 कितने हो जाएंगे, 8 एलिमेंट्स हो जाएंगे, इतना आपको पता चल गया। अब निकालना, तो पहले क्या निकालोगे, एक कार्टेशियन ए निकालोगे, ए क्रॉस ए निकालोगे। ठीक है, पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट का ट्रिपलेट निकाल लो, है ना, 2 को मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद 3 का करके निकालो। ठीक है, तो सबसे पहले 2 का निकालते हैं, तो ए दिया गया है आपका -1,1, ए कितना दिया गया है -1,1, तो यहाँ से ए क्रॉस ए कितना हो जाएगा, ए को 2 बार मल्टीप्लाई करो, मतलब -1,1 क्रॉस -1,1 कितना हो जाएगा, पहले इसका इन दोनों के साथ, है ना, तो क्या लिखोगे, -1,-1 पहले इसका इसके साथ, तो -1,-1 फिर इसका इसके साथ -1,1
इसका इन दोनों के साथ फिर क्या आएगा, वन कॉमा माइनस वन, फिर क्या आएगा, वन कॉमा वन। ठीक है, ये क्या बन गए, इसके डुप्लेक्स बन गए। ये निकला क्या है, ए क्रॉस ए, बट क्वेश्चन में पूछा क्या है, ए क्रॉस ए क्रॉस ए। तो जब ए बार और मल्टीप्लाई ए से करोगे तो ए क्रॉस ए कितना आ जाएगा। अब इसमें करोगे किससे, माइनस वन कॉमा वन, ठीक है, क्रॉस लिखोगे, क्रॉस में कितना है, ये चीज वैल्यू है, रख लिख लो। तो माइनस वन कॉमा माइनस वन कॉमा वन, फिर क्या है, वन कॉमा माइनस वन, फिर क्या है आपका, वन कॉमा वन। ठीक है, आपका आंसर वही आएगा, चाहे पहले ए क्रॉस ए करो चाहे बाद में ए क्रॉस ए करो, ठीक है, आपका आंसर क्या आएगा, वही आएगा। आप ऐसे लिख के करोगे क्योंकि आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी, नहीं करोगे तो। ठीक है, तो माइनस वन पहले कहाँ जाएगा, इन सारे एलिमेंट्स में जाएगा। ठीक है, तो पहले जाएगा माइनस वन इसमें, तो माइनस वन यहाँ पे आ जाएगा, दोनों को पहले माइनस वन था, तो माइनस वन एंड माइनस वन हो गया कॉमा। फिर इसमें जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस वन एंड वन। फिर इसमें जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस वन वन एंड माइनस वन। ठीक है, फिर इसमें जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस वन वन एंड वन। ठीक है, तो कितने, चार एलिमेंट्स हो गए, फोर बचे हैं आपके। अब ये वन किसमें जाएगा, इन चारों में जाएगा। तो वन जब इसमें जाएगा तो क्या बनेगा, वन कॉमा माइनस वन कॉमा माइनस वन। फिर वन जाएगा तो इसमें बनेगा, वन कॉमा माइनस वन कॉमा वन। ठीक है, अब वन यहाँ पे जाएगा तो क्या बनेगा, वन कॉमा माइनस वन। फिर वन यहाँ पे जाएगा तो क्या बनेगा, वन वन एंड वन। आगे समझ, कितने एलिमेंट्स होने चाहिए थे, एट एलिमेंट्स होने चाहिए थे। तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। ठीक है, ये क्या निकल गया, ए क्रॉस ए निकल गया, है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं था, है ना, कुछ भी तो नहीं था इसमें यार, आपको समझ में आ गया इतना। अच्छा, अगर इतना समझ में आ गया है तो अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से, इस क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई देन फाइंड ए एंड बी। तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, है ना, मतलब ए बी किसके एलिमेंट्स होंगे, ए के होंगे, एक्स वाई किसके एलिमेंट्स होंगे, बी के होंगे, तो साफ साफ दिख रहा है। तो लिखोगे क्या, क्या लिखना है आपको, कैसा रिलेशन होगा, आर इज इक्वल टू क्या लिखना है, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू, नहीं, ए बिलोंग्स टू ए, स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, ए एंड बी किससे बिलोंग करेंगे, ए से, है ना। देखो ए एंड बी किससे बिलोंग करेंगे, ए से, ए एंड बी किससे बिलोंग करेंगे, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए एंड एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू बी, ऐसा लिख सकते हो, लिख सकते हो। देखो जल्दी ध्यान से, ए और बी किससे बिलोंग करेंगे, ए से। तो एक्स के एलिमेंट्स क्या हो गए, देखो जरा ध्यान से, देखो अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या होगा, a कॉमा बी, वेयर a कॉमा बी बिलोंग्स टू a एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू b। ठीक है, ऐसा भी ले सकते हो या डायरेक्टली बोल सकते हो रिलेशन से कि आप जरा ध्यान से देखो, ये x, ये किसका एलिमेंट होगा, a के होगा। ठीक है, b भी किसका एलिमेंट होगा, a का होगा। ठीक है, अच्छा ये x किसका होगा, b का होगा, जो बाद में होगा उसका बाद का होता है, और y किसका होगा, b का होगा। तो a के एलिमेंट क्या हो गए, a कॉमा b, और b के एलिमेंट क्या हो गए, एक्स कॉमा वाई। ये तो आप डायरेक्टली देख के बता सकते हो। ठीक है, और आपको रिलेशन लिखना है, इसमें लिखा है वैसे रिलेशन लिख सकते हो। ठीक है, तो आपके छह क्वेश्चन से आपके हो गए। ठीक है, सेवन्थ एट्थ नाइन्थ एंड टेंथ, ये फोर क्वेश्चन जो बचे हैं ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आपके सेवन्थ क्वेश्चन की तरफ, सेवन्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो बात करते हैं आपके सेवन्थ क्वेश्चन की। ठीक है, अभी तक आपने जितने क्वेश्चन किए आसानी से हो गए, सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन है, है ना। इसके बाद वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा, क्योंकि वहाँ पे हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट की बात सीखनी है, वहाँ पे एक कंसेप्ट थोड़ा सा आएगा। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे सेवन क्वेश्चन की, बोल क्या रहा है, इफ ए इज इक्वल टू वन कॉमा टू, बी इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर, सी इज इक्वल टू फाइव सिक्स एंड डी इज इक्वल टू फाइव सिक्स सेवन एट। आपको ए बी सी डी फोर सेट्स दिए गए हैं, आपको ए बी सी डी फोर सेट्स दिए गए हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको वेरीफाई करना है, पहला तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इंटरसेक्शन सी should be equal to cartesian product of AB intersection cartesian product of AC। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आपका intersection होता क्या है। intersection वो चीज़ है जैसे दो चीज़ के intersection निकालो, जैसे B और C का निकालना, जो चीज़ common हो B और C में लिख दो। B और C में क्या common है, 5 and 6 common है, कुछ है common नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, null set हो जाएगा। जब कोई common कोई नहीं मिलता है तो क्या हो जाता है, null set हो जाता है। तो जब पहला हम प्रूव करेंगे, हम पहले की बात करें, प्रूव करना है, तो सबसे पहले आपको कार्टेशियन निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, बी इंटरसेक्शन सी। क्या निकालना है, बी इंटरसेक्शन सी। बी कितना दिया गया है, वन टू थ्री फोर। ठीक है, कितना दिया गया, वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा
फोर इंटरसेक्शन सी कितना दिया गया है 5.7। अब मुझे बताओ इसमें 1 से 4 तक ऐसे 5 6 है, कुछ कॉमन है कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब 5 को ऐसे लिख लो या सिंपली ऐसे लिख लो, ठीक है क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है जब 5 आ गया तो मैंने एक चीज बताई थी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट इनटू 5 इक्वल टू क्या होता है, हमेशा 5 होता है। कितना आता है 5 आता है, क्योंकि तो एक क्या है नल सेट है, तो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट किससे साथ निकालोगे बी के साथ, बी और सी के साथ निकालोगे तो क्या आएगा नल सेट आ जाएगा। ठीक है तो यहां से क्या है आपका नल सेट आएगा, ये क्या हो गया नल सेट, ये क्या है आपका एलएचएस, ये क्या लेके चल रहे हैं इसका कौन सॉल्व कर रहे हैं एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है जब बात करेंगे आरएचएस की, ठीक तो आरएचएस की बात करते हैं जल्दी से, मैं इसको रफ करता हूं ऊपर का अभी नहीं कर सकते हैं। आरएचएस की बात करते हैं तो ए क्रॉस बी पहले निकालो आप। अब क्या निकालना है यहाँ पे पहले की कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी निकालो, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सी निकालो, फिर उसका क्या कर लो आप इंटरसेक्शन ले लो। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी क्या होगा ए क्रॉस बी, ये क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो ए बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा 1 1, क्या होगा जरा ध्यान से देखो, एक मिनट, सही है ना। ठीक है ए बी कार्टेशियन क्या होगा 1 1, देखो ये 1 सबके साथ जाएगा तो 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4 है ना, फिर इसके बाद इसकी इसकी कंटिन्यूटी चल रहा है। ठीक है उसके बाद क्या होगा 2 1, क्या आएगा 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, ये क्या आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी है ना, ए और बी का कार्टेशियन आ गया। अब आपको क्या निकालना है ए और सी का कार्टेशियन निकालना है, तो ए और सी का कार्टेशियन जल्दी से निकाल लो। तो ए क्रॉस सी कितना होगा कार्टेशियन ऑफ ए एंड सी इज इक्वल टू 1 5, 1 पहले दोनों के साथ 1 5, 1 6, फिर 2 दोनों के साथ तो क्या आएगा 2 5, 2 6 आया। ठीक है इसके बाद क्या करना होगा आपको, अब करना है इन दोनों का लेना है इंटरसेक्शन। तो मैंने क्या बताया जो दोनों में कॉमन हो वो लिख लो। ठीक है तो यहां से बोल सकते हैं आर एच एस इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब बताओ मुझे ए क्रॉस बी में 1 1 है, इसमें कहीं 1 1 है नहीं है, तो ये एलिमेंट क्या हो गया खत्म। ठीक है इसमें 1 2 है, इसमें कहीं 1 2 है नहीं है, तो ये एलिमेंट क्या हो गया खत्म। ठीक है 1 3 है, इसमें कहीं 1 3 है नहीं है, ये भी खत्म। 1 4 है, इसमें कहीं है नहीं है, ये भी खत्म। इसमें 2 1 है, इसमें कहीं 2 1 है नहीं है, इसमें 2 2 है, इसमें 2 2 है नहीं, 2 3, देखो कोई भी एलिमेंट क्या है कॉमन नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो देखो एलएचएस क्या आया था 5 आया था, नल सेट आया था, आरएचएस में भी कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है नल सेट आ रहा है, तो यहां से क्या बोल दोगे एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। प्रूव हो गया, नहीं हो गया आपका प्रूविंग हो गई, बिल्कुल सिंपल है कुछ भी नहीं है। ठीक है आपने प्रॉपर्टी लिया इंटरसेक्शन की, वहां से पे निकल आया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तो थर्ड सेकंड सॉरी इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं, वो भी आपको क्या करना है प्रूव करना है। तो इसके पहले सबसेट की बात करें, सबसेट वो होता है कि वो एलिमेंट उसमें हो। ठीक है जैसे चलो ठीक है पहले करते हैं है ना, तो पहले आप ए क्रॉस सी निकाल लो। तो ए क्रॉस सी हमने कितना निकाला था, ए क्रॉस सी कितना आया था, मतलब कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी कितना आया था 1 5 1 6, 2 5 2 6 कितना आया था 1 5 1 6, फिर 2 5 2 6 है ना। अब मुझे बताओ डी क्या है 5 6 7 8 है कि नहीं है, डी क्या है आपका बी क्रॉस डी निकालो। फिर क्या चाहिए बी क्रॉस डी चाहिए, तो बी क्रॉस डी करो कितना आएगा बताओ। जब बी क्रॉस डी करोगे इंटरसेक्शन मतलब बी और डी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे कितना आएगा, पहले बी का 1 कहाँ जाएगा सबके साथ जाएगा डी के, तो 1 5 1 6 1 7 1 8 क्या आएगा 1 5 1 6 1 7 1 8। ठीक है अच्छा हाँ इसके बाद बात करें है ना, तो अब क्या होगा 1 5 1 6 1 7 1 8 हो गया। अब क्या होगा बी में और कौन सा है 2 है, तो 2 5 2 6 2 7 2 2 5 2 6 2 7 2 8 क्या हो जाएगा 2 5 2 6 2 7 2 8, फिर क्या आएगा 3 5 3 6, तो 3 5 3 6 3 7 3 8, फिर क्या आएगा 4 5 4 6 4 7 4 8, 4 5 4 6 4 7 4 8। अब ये क्या बोल रहा है, इसके बाद मैंने आपका ए क्रॉस सी निकाल लिया बी क्रॉस डी निकाल लिया, तो
ए क्रॉस सी निकाला, बी क्रॉस डी निकाला। अब बोल रहा है ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, मतलब ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट बी क्रॉस डी में होने चाहिए, वही तो सबसेट होता है। तो जब ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का सबसेट है तो ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट किसमें होने चाहिए, बी क्रॉस डी में होने चाहिए। 1 5 1 5 है नहीं है, 1.6 है नहीं ये भी है, 2 5 है नहीं है ये भी है, 2.6 है नहीं है ये भी है। जब आपके ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट्स बी क्रॉस डी में हैं तो ए क्रॉस की सी क्या होगा, सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस सी किसका सबसेट होगा, बी क्रॉस डी का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, है ना। आपने 7th क्वेश्चन देख लिया, पहले प्रूविंग कर दी, उसके बाद ये प्रॉपर्टी लगा के आपने निकाल लिया, ठीक है। ओके बढ़ते आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, रखो कि कितने, अगर ए एक आपका ए सेट है जिसमें एन एलिमेंट्स हैं, बी सेट है जिसमें आपके एम एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स सबसेट्स कितने होते हैं, 2 to the power mn, ठीक है। कितने होते हैं, 2 to the power mn। तो लिखो, एक लाइन लिखो, लेट इफ इफ देयर आर n elements in set A and m elements in set B, then total number of subsets in A cross B is equal to 2 to the power mn, ठीक है। ये आपको याद रखना है, अगर A में आपके m एलिमेंट हैं, B में n एलिमेंट हैं, तो आपके टोटल नंबर सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर m क्रॉस n। यहां पर A में कितने एलिमेंट हैं, 2 है कि नहीं है, B में कितने हैं, 2 है कि नहीं है, तो m कितना हो गया, 2 हो गया, n कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहां से A क्रॉस B में कितने सबसेट्स होंगे, 2 to the power 2 into 2, That is 2 to the power 4 and यह आएगा 16। कितने एलिमेंट्स होंगे आप, कितने सबसेट्स होंगे, 16, ठीक है। ऐसे याद रखो, या आप कैसे याद रखोगे कि ये चीज क्या है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी है कि नहीं है, है ना, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी निकाल लो, वहां पे जितने एलिमेंट्स आ रहे हों उन एलिमेंट्स को पावर में रख दो 2 की, वहां से आ जाएगा, ठीक है। आप ऐसे थोड़ा सिंप्लीफाइड रहता है, आपको डायरेक्टली ए सेट दे देगा, बी दे देगा, बोलेगा ए क्रॉस बी में कितने आपके एलिमेंट्स होंगे, तो पहले आप एम क्रॉस ए निकालो, डायरेक्टली ऐसे रखो ना, ठीक है, समय इतना, ये नोट कर लो। तो ये किसका पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, हाउ मेनी सबसेट्स, कितने सबसेट्स होने जाएंगे, 2 to the power mn, है ना, ठीक है। एक ये तरीका हो गया, है ना, ये तो हो गया। अब हम इनको लिस्ट करेंगे, सबसे पहले ए क्रॉस बी तो निकाले, हमको ए क्रॉस बी तो लिखना है, तो ए क्रॉस बी तो सबने निकाल लिया होगा, वो तो बेसिक है, ठीक है। तो निकाल देंगे तब भी हम, है ना, ए क्रॉस बी निकालेंगे, उसी के हेल्प से हम लिस्ट करेंगे एलिमेंट्स को, ठीक है। तो ए क्रॉस बी जब निकालेंगे तो ए क्रॉस बी के लिए क्या करते हैं, इस एलिमेंट को फिक्स करो दोनों के साथ, तो क्या हो जाएगा, 1 3 1 4, फिर इस एलिमेंट को फिक्स करो दोनों के साथ, 2 3 and 2 4, है ना। तो ये कितने एलिमेंट्स आ गए, इसमें एन थे, इसमें एन थे, तो इसमें कितने बन गए, m into n, कितने एलिमेंट्स हो गए, 4 एलिमेंट्स हो गए, है ना। तो एक्चुअल में हो क्या रहा था, अब बोला जाए इसमें कितने सबसेट्स होंगे, तो क्या लिखोगे, 2 to the power mn, ये तो मैंने बोला था, मतलब 2 to the power 4, कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, 16 डाले सबसेट इसके हो जाएंगे। अब 16 सबसेट्स होंगे, उनको लिस्ट करना है कि कितने कैसे कैसे होंगे। तो देखो सबसेट्स होते क्या है, कि देखो जो फाई है वो भी इसमें आ रहा है, फाई मतलब कुछ भी नहीं है, वो भी इसमें आ रहा है, है ना। 1 3 भी आ रहा है, 1 3 1 4 भी आ रहा है, मतलब सिंपल की अगर एक सिंगल आएगा तो वो भी सबसेट होगा उसका, कुछ नहीं होगा तो वो भी सबसेट होगा, जब सारे साथ में आ जाएंगे तो वो भी उसके क्या होंगे, सबसेट्स होंगे। तो सबसे पहले बात करें कि नो एलिमेंट, आप कैटेगरी बना लीजिए, नो एलिमेंट, सिंगल, डबल, थर्ड एंड फोर्थ। आप पहली बात तो नो एलिमेंट हो, है ना, सबसे पहली बात क्या है, नो एलिमेंट, ठीक है। मैं जैसे कर रहा हूं वैसे करूंगी तो इजी रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद ये कैटेगरी क्या बनाए, वन एलिमेंट, कितना, वन एलिमेंट, ठीक है, वन एलिमेंट ले लिया। फिर क्या होगा, यहां पे टू एलिमेंट्स, फिर यहां पर क्या होगा, थ्री एलिमेंट्स, और यहां पे क्या होगा, फोर एलिमेंट्स, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, जो मैं जिसे बोल रहा हूं वैसे आप ध्यान दीजिए, आपका बिल्कुल इजी हो जाएगा, ठीक है, वैसे आपको बहुत टफ लगने वाला है ना। अब बात करते हैं इस कैटेगरी में, नो एलिमेंट मतलब क्या है, फाइव,
नौ एलिमेंट क्या है, फाइव, कोई भी आपका कुछ भी ना हो, ठीक है। वन एलिमेंट मतलब क्या है, या तो ये आए या ये आए, ये आए या ये आए एक टाइम पे, तो पहला क्या हो जाएगा वन थ्री, ये भी देखो सबसे ठीक नहीं है। दूसरा क्या हो जाएगा वन फोर, ठीक है। थर्ड क्या हो जाएगा टू थ्री, वन थ्री वन फोर, टू थ्री टू फोर, ठीक है। थर्ड क्या हो जाएगा टू थ्री, अच्छा फोर्थ क्या हो जाएगा टू फोर। देखो वन थ्री भी इसका सबसेट है, वन फोर भी इसका सबसेट है, टू थ्री भी इसका सबसेट है, टू फोर भी इसका सबसेट है कि नहीं है, ठीक है। अब क्या बात करें, टू एलिमेंट्स एट अ टाइम लेना है, तो जब टू एलिमेंट्स लेना है तो क्या ले लें, वन थ्री वन फोर, वन थ्री टू थ्री, वन थ्री टू फोर, है ना। तो पहला क्या होगा वन थ्री कॉमा वन फोर, फिर अब देखो टू एट अ टाइम ले रहे हैं तो वन थ्री टू थ्री, फिर क्या ले लें वन थ्री टू थ्री, है ना। फिर क्या ले लें वन थ्री टू फोर, वन थ्री टू फोर। अब देखो क्या बचा, आपके वन थ्री वाले सारे कंप्लीट हो गए, अब बचा है वन फोर टू थ्री, वन फोर टू फोर, क्या बचा है वन फोर टू थ्री, फिर वन फोर टू फोर, है ना। यहां लिखते हैं वन फोर टू फोर, है ना, इतना लिख लीजिए, मैं बाकी जो बचा हुआ है यहां पे लिख देता हूं, वो आप नोट कर लीजिएगा। तो वन फोर टू थ्री, वन फोर टू फोर, फिर क्या बचा टू थ्री टू फोर, क्या बचा, यहां पे मैं लिख देता हूं टू थ्री, आप वहीं पे लिखिएगा टू थ्री, उसके नीचे ही टू फोर, है ना। ये क्या हो गया आपके, टू एट अ टाइम ले लिया हमने, ठीक है। तो जरा देखो ध्यान से, वन थ्री वन फोर इसका है ही नहीं, वन थ्री वन फोर भी आ रहा है इसमें दो एट अ टाइम, टू थ्री टू फोर भी है, टू थ्री टू फोर भी है, ये सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, इसके क्या होंगे सबसेट्स हो गए हैं, है ना। अब क्या करें, थ्री एट अ टाइम लेंगे, तो जब आप थ्री एट अ टाइम ले लो, सबसे पहले काउंट कर लो कितने हुए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, अभी कितने हो गए हैं, इलेवन सबसेट्स हो चुके हैं, अभी फाइव और बचे हैं, तो फाइव देखते हैं। अच्छा अच्छा, आप फोर एट अ टाइम लो तो फोर तो यही पूरा हो जाएगा ना, तो फोर को क्या लिख सकते हो आप, वन थ्री वन फोर टू थ्री टू फोर, कितने हो गए ट्वेल्व, बचे चार, चार कितने होंगे, थ्री का पेयर बन रहा होगा, थ्री का ट्रिपलेट बन रहा होगा, ठीक है। ये समझ में आया आपको, इसमें तो कितने एलिमेंट्स, वन थ्री वन फोर टू थ्री टू फोर, सारे एलिमेंट्स इसमें ही नहीं है, तो ये क्या है इसका, ये इसका सबसेट है कि नहीं है, ठीक है। अभी मैं सेट पढ़ाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, ये तभी भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं थ्री एट अ टाइम, तो थ्री जब लोगे तो वन थ्री वन फोर टू थ्री, क्या लेना है पहले, क्या लेना है वन थ्री वन फोर टू थ्री, ठीक है। उसके बाद क्या लेना है, वन थ्री टू थ्री टू फोर, वन थ्री टू थ्री टू फोर, है ना। अब देखो वन थ्री वन फोर टू थ्री हो गया, वन थ्री टू फोर हो गया, अब लेना है आपको एक बचा हुआ है, एक बचा हुआ है, ध्यान दो जरा कौन सा बचा हुआ है, वन थ्री वन फोर टू फोर, क्या लेना है वन थ्री वन फोर टू फोर, है ना। अब क्या बचा देखो, वन फोर टू थ्री टू फोर, क्या बचा वन थ्री वन फोर, सॉरी वन फोर टू थ्री टू फोर, वन फोर टू थ्री टू फोर। ये क्वेश्चन खुद में बहुत अच्छा है, ये स्कूल वाले नहीं कराते हैं आपका, ये एलिमेंट्स नहीं निकलवाते हैं, वो डायरेक्टली नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखवा देंगे, बस वही फिनिश हो गया, बट वहां पर फिनिश नहीं करना चाहिए, है ना। तो मैंने पहले ए क्रॉस बी निकाला, तो सबसे पहली बात है जो नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं कितने होते हैं, एन टू की पावर एम एन कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। काउंट करो, कुछ भी ना हो एक हो गया, एक एलिमेंट से तो कितने दो तीन चार पांच हो गए, सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन हो गए, ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन एंड 16, कितने सबसेट्स हो गए 16, हमने उसको लिस्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ एंड टेंथ में क्या बोल रहा है, अभी तक हमने पढ़ा जो एलिमेंट्स से सबसेट देख लिया, टू पावर एमएन होते हैं, है ना। अगर एक सेट में एन एमएन एलिमेंट्स हैं, बी सेट में आपके एन एलिमेंट्स हैं, इफ देयर आर एम एलिमेंट्स इन सेट एन ए एंड एन एलिमेंट्स इन सेट बी, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इन एन इन का ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 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 द पावर एमएन, ठीक है। ये बोल सकते हैं डेफिनेशन क्या, ये बोल सकते हैं कि इफ देयर आर पी एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 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 द पावर पी इज इक्वल टू एन हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया कि बेसिक ना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नाइन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें,
सबसे पहली बात तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, एम क्रॉस एन होते हैं, नंबर ऑफ सबसे कितने होते हैं, टू टू द पावर एम एम इंटू एन, ठीक है। तो नंबर ऑफ देखो ए में कितने एलिमेंट्स हैं, थ्री में हैं, बी में कितने हैं, टू हैं, एंड एक्स वाई एक्स वन, देखो ए क्रॉस, तो फिर ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, सबसेट्स नहीं पूछ रहा है, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए में कितने हैं थ्री, बी में कितने हैं टू, कितने हो जाएंगे सिक्स, टोटल ए क्रॉस बी में कितने होने चाहिए थे, सिक्स होने चाहिए थे, बट है क्या आपके, क्या क्या एलिमेंट्स आपके, एक्स वन वाई वन, एक्स वन वाई टू जेड वन, ठीक है। तो एक्स वाई जेड किससे बिलोंग करेगा, ए से, है ना, और वन टू वन किससे बिलोंग करेगा, बी से, बट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, थ्री, तो एक्स वाई जेड किसके एलिमेंट्स हो जाएंगे, ए के, ए के कितने हो जाएंगे, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, क्योंकि एक्स वाई जेड किससे बिलोंग करेगा, किससे बिलोंग करेगा, एक्स वाई जेड आपका ए से बिलोंग करेगा, इसीलिए एक्स वाई जेड किसके एलिमेंट्स हो जाएंगे, ए के हो जाएंगे, कितने हैं थ्री एलिमेंट्स है, तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड हो गया, ठीक है। अच्छा बी में कितने एलिमेंट्स हैं आपके, बी में आपके टू एलिमेंट्स हैं, और टू एलिमेंट्स जो किससे बिलोंग करेंगे, बी से करेंगे, वन टू वन किससे बिलोंग कर रहा होगा, बी से, तो कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, वन कॉमा टू, ठीक है। प्रूव करना है तो ए क्रॉस बी निकालो जल्दी से, तो आपको लिखना क्या पड़ेगा, यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखोगे, ए क्रॉस बी आर इज इक्वल टू ब्रैकेट ए कॉमा बी सच दैट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए एंड वन एंड टू बिलोंग्स टू बी, ठीक है, ये आप लिख सकते हो स्टेटमेंट, ठीक है। ये तो हो गया आपका आपका नाइन्थ क्वेश्चन, ये समझ में आया। अब ए क्रॉस बी निकालोगे तो एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू जेड वन जेड टू, मिल गए तीन एलिमेंट्स, तीन रिमेनिंग हो गए, और बोल रहा है ना, ये हो गया, ठीक है। अब देखो अब करना क्या है कि क्वेश्चन नंबर टेंथ करना है, तो क्वेश्चन नंबर टेंथ जरा देखिए, तो इसको मैं रफ करता हूँ, है ना, आपने नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन नंबर टेंथ देखो जल्दी से, टेंथ क्या बोल रहा है, बोल रहा है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी हैज नाइन एलिमेंट्स, मतलब ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स हैं, नाइन, टोटल एलिमेंट्स ए क्रॉस ए में कितने हैं, नाइन, तो यहां से इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, एन, इसमें कितने होंगे, एन, एन इंटू एन कितना हो गया, नाइन हो गया, एन स्क्वायर कितना हो गया, नाइन, एन कितना आएगा, थ्री, मतलब कि एक आपके एक सेट में कितने एलिमेंट होने चाहिए, थ्री एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। मतलब ए में कितने एलिमेंट्स हो गए, थ्री, इसमें कितने एलिमेंट्स, थ्री, इसमें भी तो थ्री होंगे, तो सेम सेट है ना। अच्छा इनमें से आपके क्या है, माइनस वन कॉमा जीरो एंड जीरो कॉमा वन, ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, थ्री, हमने अज्यूम कर लिया एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अच्छा अब ए क्रॉस ए अगर आप निकालोगे, इफ ए क्रॉस ए निकालोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स 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 वाई एक्स जेड, है ना, तो ए क्रॉस ए करोगे तो एक्स वाई जेड को एक्स वाई जेड से क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स 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 वाई एक्स जेड क्या हो जाएगा, एक्स एक्स मतलब सेम सेम, तो सेम सेम कहीं नहीं आ रहा है, मतलब यहां दिख क्या रहा है, थ्री अदर नंबर्स हैं, तीन अलग अलग नंबर हैं, माइनस वन जीरो वन, तो माइनस वन जीरो वन क्या हो जाएंगे, माइनस वन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, जीरो क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, वन क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो आप इन नंबर्स को आप चेंज भी कर सकते हो, इंटरचेंज भी कर सकते हो, माइनस वन वन जीरो का भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है माइनस वन जीरो एंड वन क्या हो गए, इसके एलिमेंट्स हो गए ए के, हमको रिमेनिंग फाइंड करना है, तो आप रिमेनिंग फाइंड कर लो, तो क्या करोगे, यहाँ पे दो दो आप सेट्स का मल्टीप्लाई कर लोगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लोगे, है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो माइनस वन जीरो वन, ठीक है। कैसे करना होता है, पहले माइनस वन इन तीनों के साथ, तो क्या बनेगा, माइनस वन कॉमा माइनस वन, फिर क्या बनेगा, माइनस वन कॉमा जीरो, फिर क्या बनेगा, माइनस वन कॉमा वन, फिर जीरो तीनों के साथ, तो जीरो कॉमा माइनस वन, फिर क्या बनेगा, जीरो कॉमा जीरो, फिर क्या बनेगा, जीरो कॉमा वन, है ना, फिर क्या करोगे, वन तीनों के साथ, तो वन कॉमा माइनस वन, वन कॉमा माइनस वन, फिर क्या बनेगा, वन कॉमा जीरो, फिर क्या बनेगा, वन कॉमा वन, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, जो जो एलिमेंट्स थे हमको हटा दो, तो माइनस वन कॉमा जीरो था, मतलब ये क्या था, पहले से था यहाँ पे गिवन था, ये था और जीरो कॉमा वन था, ये और जीरो कॉमा वन, ये दो एलिमेंट्स दिए गए थे, इनको हटा दो, बाकी क्या होंगे इसके, माइनस वन कॉमा जीरो जीरो कॉमा वन दिए गए थे क्वेश्चन में, बाकी क्या होंगे, रिमेनिंग एलिमेंट्स हो जाएंगे, है ना। अच्छा अब जरा बात करें, यहीं पर अगर पूछा था नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए क्रॉस बी, एडिशनल क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखिए फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए क्रॉस ए, तो कितने हो जाएंगे, टू टू द पावर थ्री इंटू थ्री, ये नंबर ऑफ सबसेट्स है, एडिशनल है,
मैंने बोला नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए आपके, कितने 9 एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। और नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा, 2^3 × 3 कितना आ जाएगा, 2^9, ये कितना भी नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे। तो आप निकाल लोगे, पहले 5 आ जाएगा, फिर दूसरा क्या आएगा, सिंगल सिंगल लेके करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। उसका दो दो लेके करोगे, 3, 3 का, 4, 4 का, 5, 5 का, 6, 6 का, 7, 7, 8, 8 का, और फिर 9, 9 का, ठीक है। ये आप 9, 9 तक करोगे तो आपके नंबर ऑफ सबसेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये तरीका हो गया आपका, फर्स्ट एक्सरसाइज हो गया आपकी, बेसिक कन्फर्म हो गया है। अब स्टार्ट करेंगे फंक्शन, है ना। तो फंक्शन पढ़ाने के बाद अच्छे से मैं सेकंड एक्सरसाइज करूंगा, फिर थर्ड पे आएंगे, थर्ड इंडस्ट्री में थोड़े से डोमेन रेंज फाइंड करना है, ठीक है। तो आप ऐसे ही देखते रहो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर कोई किसी को डाउट हो रहा है किसी भी क्वेश्चन में, वो चाहे जिस बुक का, तो कमेंट कर दो यार, मैं सारे क्वेश्चन तो करवा नहीं सकता हूँ ना, क्योंकि मुझे जेई क्वेश्चन भी करवाने हैं, है ना, ठीक है। तो बात करते हैं इसके बाद कल, है ना, कल नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे फंक्शन के साथ। आप एक्सरसाइज पूरी कर लीजिएगा, मैंने ये क्वेश्चन किया, अभी लॉकडाउन खत्म हो गया, थोड़ा अच्छा रहे, आपके बुक्स हो जाएंगे, मुझे क्वेश्चन लिखना नहीं पड़ेगा, पूरा टाइम आपका बच जाएगा, मेरा भी टाइम बच जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो अभी बात करते हैं कल फंक्शन की, फंक्शन स्टार्ट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, उसको मिस मत कीजिएगा, ठीक है, ओके। तो थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं, उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना।